हेलो एवरीवन, टोमेटो फ्लू को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान है। इसे इंग्लिश में हम हैंड फुट माउथ लिजन भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें जो जनरली जो है शरीर पे जो है बॉडी का रेड ब्लिस्टर तैयार होते हैं जो कि टोमेटो जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ा हुआ है। इसका टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है। जनरली ये 5 साल के नीचे बच्चों में होता है। इसके जो मुख्य जो लक्षण है वो है हाथ पैर नी जॉइंट के ऊपर बम एंड मुँह के अंदर जो है रैशेस आते हैं, साथ में ब्लिस्टर तैयार होते, पपोले तैयार होते, इसमें ईचिंग होती है और स्किन का डिहाइड्रेशन होता है। और उसमें जो एडिशनल सिम्टम होते हैं उसके अंतर्गत है बुखार है, सर्दी, खांसी, बॉडी एक, हेडेक, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, पेन इन एब्डोमेन, जॉइंट पेन और थकान बहुत आती है। जनरली इसके जो है इसमें जो है किसी में किसी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो ट्रीटमेंट जो होता है वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बच्चे को जो है कम्प्लीटली बेड रेस्ट देने का है, गुड हाइजीन मेंटेन करने का है, लीजन को स्क्रैच करना नहीं है, पानी भरपूर पिलाना है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जनरली बच्चे जो है 6 से 7 दिन में रिकवर हो जाते हैं।